इसके बाद लड़की भाई को मिलने जा रहे हैं मैरिड टाउन ये जी भाई अपना बच्चा है दोस्त है सज्जन है अभी कॉल करें इधर आ जाए लेकिन हम क्यों उन्हें डिस्टर्ब करें हम खुद उनके घर चलते हैं चाय पानी पीते हैं डक्की भाई के भाई डक्की भाई है कौन पता आपको डक्की भाई टिकटॉकर लाइक करते हैं डक्की भाई को मैंने बस नाम सुना है मैंने देखा नहीं वैसे वो मुझे काफी कॉलिंग करते हैं कि मैं सब लोग बनाए जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं तो आज जो ईद का तीसरा दिन ना ठीक है तो ईद के तीसरे दिन पहले दिन तो हम वैसे ही सो के गुजारा दूसरे दिन कुर्बानी की है अल्हम्दुलिल्लाह और तीसरा दिन ना आज का ठीक है तो आज हमने कहा बाहर चलते हैं यार थोड़ा सा मूड वगैरह फ्रेश कर लेते हैं गर्मी तो बहुत ज़्यादा है वैसे भी घर बैठ के भी तो हमने कहा बाहर चलते हैं तो आज हम माशाल्लाह से आए हैं आपको दिखाते हैं बैरियर टाउन ये देखते हैं हम आए हैं आईफल टावर बैरियर टाउन ठीक है तो बैरियर टाउन आए थे मैं आया हूँ आज असद वगैरह तो नहीं है मेरे साथ पाँच बंदे हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे साथ हैं ये हैं जाट साहब अस्सलाम वालेकुम जाट साहब कैसे हैं आप शुक्र अल्लाह पाक का आप सुनाएं भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जाट साहब तबीयत ठीक है आपकी शुक्र अल्लाह पाक का बिल्कुल ठीक है जाट साहब आप यहाँ से माशाल्लाह से आपने भी कुर्बानी की अल्हम्दुलिल्लाह हो गई आपकी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र तो अब तीसरा दिन ना आज जी तो अब हमने कहा बाहर चलते हैं कहीं पे जी सर तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा गर्मी का और आने का और अब क्या आने में तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी पे आए आराम से आगे तो खड़े हुए कहा था कि बाहर भी इस तरह का मौसम होगा लेकिन उत्तर प्रदेश सारी बहुत गर्मी लगी पसीने से हमारे देखें बाजू गीले हुए हैं पसीना आ रहा है तो इधर तो मौसम अब कुछ बेहतर होता जा रहा है जी अच्छा आगे बासित भाई खड़े हैं बासित भाई से बुलाया आप बासित भाई के पास जाते हैं सेकंड वन बासित भाई जी ये वो पर्सन है जिनकी तकरीबन छः एक महीने पहले शादी हुई है ठीक है बासित साहब मैं ठीक कह रहा हूँ जी और माशाल्लाह से और वेल डन तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए और माशाल्लाह से हमें छः महीने बाद मिले हैं हमारे साथ ईद पे जाने लगे हैं ठीक है अब बासित साहब कैसा फील कर रहे हैं आप माशाल्लाह से आपने भी कुर्बानी कर ली है दो दिन ठीक है अब तीसरा दिन है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर भाइयों को ईद उजा मुबारक हो आज थर्ड डे है हम घर से निकले हैं फिर अब बकर भाई आए थे मैंने भी लोग में आपको शामिल करना है ओके उनके साथ आए हैं आप बाकी खूब इंजॉय कर रहे हैं तो फिर आप वाइफ को कहीं ले गए हैं कि नहीं जी बिल्कुल ये ना हमें पता चले घर जाके कि हमें भी पढ़ रही हैं और आपको भी पढ़ रही हैं नहीं नहीं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब अच्छा गर्मी का सीन क्या है गर्मी बहुत है हाई गर्मी तो ये थर्ड पर्सन है ये देखें ये है मिस्टर माजिद राणा इनको इनको आप खुसूसी जानते होंगे तो वो कैसे जानते होंगे अच्छा अच्छा ये हैं पहली दफ़ा आए हैं तो ये है माजिद राणा साहब ठीक है तो जी माजिद साहब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पहले से फर्क है काफी अच्छा दवाई वगैरह ली आपने नहीं इधर आते ही फर्क पड़ गया अच्छा अच्छा मौसम चेंज हो गया ना इधर आया तो हम तो माशाल्लाह से दो दिन कुर्बानी के बाद तीसरा दिन ना अल्हम्दुलिल्लाह तो गर्मी इनको भी पुश कुर्बानी की थी कि नहीं पे बैठ दे देखो हमने मिलने जाना है डक्की भाई को इसके बाद डक्की भाई को मिलने जा रहे हैं मैरिड टाउन ये जी भाई अपना बच्चा है दोस्त है सज्जन है अभी कॉल करें इधर आ जाए लेकिन हम क्यों उन्हें डिस्टर्ब करें हम खुद उनके घर चलते हैं चाय पानी पीते हैं डक्की भाई के अरे भाई डक्की भाई है कौन पता आपको डक्की भाई टिकटॉकर नहीं तो आप लाइक करते हैं डक्की भाई को मैंने बस नाम सुना है मैंने देखा नहीं वैसे वो मुझे काफी कॉलिंग करते हैं कि मैं सब लोग बनाए लेकिन मैं इस तरह के बंदों के साथ नहीं बनाता क्यों क्योंकि मेरी एक पर्सनालिटी है मैं फेमस पर्सनालिटी हूं हर बंदे के साथ आम के साथ मैं नहीं बना सकता ये वीडियो आपको तो पता है हम बदमाश हैं अच्छा तो ये चौथे भाई हैं जी भाई कैसे हैं आप जी भाई तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है बैरियर टाउन आके गर्मी का सुनाए भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन अब मौसम चेंज होता जा रहा है मौसम चारों हैं ठीक है तो अब देखते हैं आगे आगे हम कहाँ कहाँ जाते हैं तो वहाँ वहाँ हमसे बनाते हैं बाकी गर्मी का हाल बहुत ज़्यादा है और ये देखें लोग तस्वीरें वगैरह खींच रहे हैं तो रश बढ़ रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता बाकी आपको पता है बैरियर टाउन है लोग यहाँ पर आएँगे आहिस्ता आहिस्ता शाम को तो ये है कि ये रात तक चलता रहता है इतना जो सारा है ओके देखें आप आगे हम जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ गए हम
जी तो व्यूवर्स यहाँ ये अफगानिस्तानी लड़के भी आए हैं, ये देखें इन्होंने झंडा ही पकड़ा है, पठान भी आए हैं। तो माशाल्लाह से अफगानों की तादाद ज़्यादा हुई हुई है यहाँ पे बहुत ही। जी तो व्यूवर्स पहले टाउन से वापस आ गए, इस वक्त ज़रा भूख लगी थी तो वापसी हम आया पिज़्ज़ा खाने। माशाल्लाह से ये पिज़्ज़े आ गए हैं दो, ये देखें ये लज़ानिया। माशाल्लाह से पिज़्ज़े बहुत अच्छे हैं, ठीक है देखें आप माशाल्लाह से ये देखें पिज़्ज़े आ गए। अब पिज़्ज़े खा के इंशाल्लाह दोबारा वापस घर जाएंगे। अब